लास्ट क्लास में हमने तीन पॉइंट्स देखे थे, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं उनको, उसके बाद फिर हम फर्दर देखेंगे नई चीज़ों, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा कि अगर मान लो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स दिया है, तो हम कोई भी एक कॉन्स्टेंट या फिर हम बोल सकते हैं एक्स का ही एक्सप्रेशन हम दोनों साइड एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, द इक्वालिटी विल रिमेन द सेम। दैट इज मैंने बोला एफ एक्स प्लस के इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स प्लस के, ये कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमने एक नंबर ऐड किया, अगर के नेगेटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमने एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वाज मल्टीप्लिकेशन। तो फिर मैंने बोला था कि अगेन अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, देन मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि के एफ एक्स इज ग्रेटर देन के जी एक्स, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिख सकता डायरेक्टली, बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई सम इनइक्वालिटी विद सम नंबर ऑफ विद सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, देन वी शुड नो एक साइन, एस आई जी एन वाला साइन, मतलब मुझे ये पता नहीं है ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या करूँगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर पता है कि के पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। ये कब ट्रू होगा, व्हेन के इज पॉजिटिव एंड इनइक्वालिटी का साइन विल चेंज इफ कब, व्हेन के इज नेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, अभी लग रहा है तो छोटा, बट व्हेन यू सी द एक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी देन यू सी कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रैंडमली ब्लाइंडली किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स से किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, अनटिल अनलेस वी नो इट्स साइन। हाँ, अगर उसका साइन पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, देन अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द इनइक्वालिटी का साइन, ठीक है। एंड थर्ड वन वाज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लासेस, अगर fx gx से बड़ा है तब मेरा मैं स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना, स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ प्रोवाइडेड कि दोनों से एक पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स भी पॉजिटिव है और जी एक्स भी पॉजिटिव है, देन आई कैन स्क्वेयर एफ एक्स ग्रेटर एफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स का स्क्वायर का व्हेन एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है ना, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तब मैं स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम, और अगर दोनों साइड नेगेटिव है तब भी मैं स्क्वायर तो कर सकता हूँ बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, अगर मैंने स्क्वायर किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज कब, जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है ना, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा एफ एक्स और जी एक्स में, मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स आर ऑफ अपोजिट साइन, देन आई कैन नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, वो मैंने एग्जाम्पल मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेके तुम लोगों को समझाया था लास्ट क्लास, ठीक है। तो ये सब हमारा डिस्कस हो गया था, छोटे से दो तीन पॉइंट्स और हैं, उसके बाद फिर इनइक्वालिटीज के एग्जांपल्स पे आएंगे, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी होता है तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन डाउट सेशन, ठीक है, डाउट सेशन में तुम्हें क्लियर ही करना है किसी भी हालत में। चलो तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज, देखना ध्यान से, मैंने बोला एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एच ऑफ एक्स अपॉन के ऑफ एक्स, ठीक है ना, अगेन एफ जी एच और के जो है देर ऑल माई एक्सप्रेस फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का एक्सप्रेशन है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पहले, ठीक है ना, वीडियो पास करके पहले तुम लोग बताना, अब मैंने बोला अगर ऐसा है तो क्या ये लिखना करेक्ट है जो मैं लिख रहा हूँ, देखना मैं जी एक्स को उस साइड लेके गया, एच एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई के ऑफ एक्स, टेल मी इज इट करेक्ट, पॉज करो सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मैं इस जी एक्स वाला लेके जा सकता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल में तुम्हारा कैसे आएगा, लेट्स मैंने लिखा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस सिक्स, तो अगर ऐसा है तो क्या मैं इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस टू को क्या वाला लेके जा सकता हूँ, पॉज करो और सोचो, ठीक है। अब मैं आता हूँ उसके आंसर में, द आंसर इज नहीं लेके जा सकते, ऐसा लिखना एट प्रेजेंट इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है इसको समझते हैं, देखो जब हम बोलते हैं ना क्रूड लैंग्वेज में, हम मैथमेटिकल क्या बोल रहे हैं, मतलब क्रूड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जी एक्स को इधर लेके गए, बट एक्चुअली इफ आई वॉन्ट टू यूज करेक्ट लैंग्वेज मैथमेटिकली देन वॉट शुड आई यूज द लैंग्वेज, कि मैं इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी एक्स दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग विथ जी ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम बोल
ना रफ लैंग्वेज में कि हम जी एक्स को उधर लेके गए, बट एक्चुअल तरीका क्या है करेक्टली मैथमेटिकली इसी को चीज़ को हम कैसे बोलना चाहिए तरीके एक्चुअली कि हमने दोनों साइड जी एक्स से मल्टीप्लाई किया। देखो जब इधर लेके गए तो शायद हो सकता है तुम लोगों को क्लिक नहीं किया हो कि ये राउंड क्यों है, बट अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया अब शायद तुम में से किसी बच्चों को क्लिक कर गया होगा कि ऐसा लिखना क्यों गलत है। बताओ मैं सोच लिया ये गलत इसलिए है। गो टू दिस सेकेंड वाला पॉइंट, जब मैंने बोला था कि हम किसी नंबर से के से या किसी एक्सप्रेशन से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, अंटिल अनलेस हमें उसका साइन पता हो। तो मुझे तो नहीं पता ना कि जो जी एक्स है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई विद जी एक्स ऑन बोथ द साइड, सो वी डोंट नो कि जी एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई, सो वी कैन नॉट राइट इट डायरेक्टली दिस वे। बिकॉज अगर ऐसा लिखा दैट मीन आई एम अज्यूमिंग कि जी एक्स इज पॉजिटिव, बट वी डोंट नो जी एक्स इज सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हेंस आई कैन नॉट राइट इट डायरेक्टली दिस वे। गेट इट? अच्छा तो करें क्या फिर, हम दो केसेस होंगे, हमारे दो केसेस बनाएंगे। हम क्या बोलेंगे, अगर जी एक्स पॉजिटिव हुआ या फिर जी एक्स नेगेटिव हुआ। अब जी एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो हमने उधर क्या लिखवाया था, अगर कोई नंबर के पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। सिमिलर हियर आल्सो, तो मैंने जी एक्स से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड और मुझे क्या मिला, मुझे मिला एफ एक्स ग्रेटर देन एच एक्स इंटू जी एक्स अपॉन के ऑफ एक्स, ये मिला। कब? डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, इधर कंडीशन है कब, व्हेन जी एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन देखो इधर भी ग्रेटर देन है इधर भी ग्रेटर देन, तो इधर कंडीशन लिखनी पड़ेगी व्हेन जी एक्स इज पॉजिटिव। अगर जी एक्स पॉजिटिव है देन यू कैन टेक इट दैट साइड, फिर हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। और मैथमेटिकली बोलने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाइंग जी एक्स ऑन बोथ द साइड, और अगर हम किसी भी नंबर से या किसी भी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी नो वी शुड नो इट साइन कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम, अब नेगेटिव है तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब ये हमारा एफ एक्स इज लेस देन एच एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई के ऑफ एक्स, कब, व्हेन माय जी एक्स इज नेगेटिव। अगर जी एक्स नेगेटिव है तब भी मैं लेके तो जाऊंगा उधर, ऐसा नहीं लेके नहीं जाऊंगा, लेके जाऊंगा बट मैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दूंगा, आई विल चेंज द इनइक्वालिटी साइन। गेटिंग इट? छोटा सा पॉइंट है, लेकिन क्या करते हैं बच्चे अधिकतर इसको डायरेक्टली उधर लेके चले जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। यू शुड हैव रिस्ट्रिक्शन कि जिस नंबर को उधर लेके जा रहे हो दैट हैज टू बी पॉजिटिव, अदरवाइज क्या होगा वो अगर मान लो वो नंबर नेगेटिव हुआ तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि फिर तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा। क्लियर है? चलो नाउ नेक्स्ट कॉपी करते जाना इसको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चेंज द मार्क्स। नाउ अब मैंने बोला एफ एक्स इंटू जी एक्स, देखना ध्यान से, इज ग्रेटर देन एच ऑफ एक्स इंटू के ऑफ एक्स, ठीक है। सिक्स पॉइंट बने, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट। अब मैंने बोला अगर ऐसा दिया है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, तो क्या दिस इंप्लाइज जी एक्स इज ग्रेटर देन एच एक्स, पहले सोचो अगर ऐसा लिखा तो ये लिखना करेक्ट है या नहीं, सोचो, वीडियो पॉज करो, मतलब इसका मतलब क्या, मैंने बेसिकली एच एक्स और एच एक्स हटा दिया, इज इट करेक्ट? तो आंसर क्या मिलेगा, ये रॉन्ग। तो सोचो क्यों रॉन्ग, वही सेम चीज अभी मैंने बताया कि ऐसा लिखना, अभी हम बोलते हैं प्रूफ लैंग्वेज में क्या है कि हमने किस एफ एक्स किस एफ एक्स से कैंसिल कर दिया, बट दिस इज नॉट द वे, द करेक्ट वे ऑफ मैथमेटिकली इज कि हमने पूरी इनइक्वालिटी को एफ एक्स से डिवाइड किया, पूरी इनइक्वालिटी को एफ एक्स से डिवाइड किया। अच्छा, किसी नंबर से डिवाइड करना इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन ओनली, कैसे मल्टीप्लीकेशन, मैंने बोला इस इक्वेशन को मैंने एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, मैंने बोला सॉरी इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया एफ एक्स से, सॉरी डिवाइड किया एफ एक्स से। इसको बोलने का एक और तरीका क्या है कि मैंने मल्टीप्लाई किया वन अपॉन एफ एक्स से, वन एंड द सेम थिंग, मैंने बोला इस इक्वालिटी को मैंने एफ एक्स से डिवाइड किया इज इक्विवेलेंट वन अपॉन एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को ऐसा दिया थ्री इज ग्रेटर देन टू, अब मैंने बोला मैं इसको थ्री से डिवाइड करना है तो क्या है, मैंने इसको थ्री से डिवाइड किया, डिवाइड बाई थ्री, यू गेट वन इज ग्रेटर देन टू बाई थ्री। सेम चीज़ को मैं ऐसे बोल सकता हूँ वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई किया तो आई नाइन गेट वन इज ग्रेटर देन टू बाई थ्री। तो बेसिकली डिवाइड करना इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई करना, और अभी हमने देखा था सेकंड पॉइंट में कि मल्टीप्लाई हम रेंट ऐसे ब्लाइंडली तो नहीं कर सकते, जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी शुड नो इट्स साइन, अगर वो पॉजिटिव है
inequality will remain the same. If that number is called negative, then sign of inequality will change. So directly to mai nahi sakta. So I should make proper cases. Matlab kya likha hai ki gx ning hx se bada hoga matlab kab, provided fx is positive. Kyun? Kyunki maine isko fx se divide kiya, matlab 1 by fx se multiply kiya. To mai bolunga ye hoga to sahi, kab hoga lekin when fx is positive. Aur agar fx negative hua, sign of inequality will change when fx is negative. तो बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट जनरली क्या होता है 9-10 में आने मतलब 9-10 में इतना बारीकी से पढ़ते नहीं हम, तो यहाँ आने के बाद बच्चे लोग क्या करते हैं इसको कैंसिल आउट कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 6 इंटू x माइनस 1, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, विच इज रॉन्ग. ठीक है ना, करेंगे कैसे सॉल्व वो मैं अभी बात बताऊंगा, बट कैसे तो नहीं करना. वी कैन नॉट कैंसिल बिकॉज वी डोंट नो x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव हुआ तो ये करेक्ट हो जाएगा जो तुमने किया, और अगर x माइनस 1 नेगेटिव हो गया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, बिकॉज x माइनस 1 नेगेटिव हो गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए. ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? अब आते हैं इसका लास्ट पॉइंट. एक बार वाइंड अप करेंगे हम चीजों को. ठीक है ना, जो हमने 5 पॉइंट पढ़े उसमें ये 6 पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट. अब क्या है इनइक्वालिटीज का एडिशन देखना है. ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे दिया है fx is greater than gx, ठीक है, और एक दिया है h of x के अलग इनइक्वालिटी के लिए ग्रेटर देन k of x. तो ये वाला रूल क्या बोलता है, दिस इज 6 पॉइंट. ये क्या बोल रहा है कि हम इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड द इनइक्वालिटी, साइन विल नॉट चेंज. मतलब वी कैन हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एच में क्या बनेगा fx, इधर क्या बनेगा एच एक्स इज ग्रेटर देन gx प्लस kx. This is 100% correct. We can add the, लिख लो, we can add the two inequalities. अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं? तो आंसर मिलेगा नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट उसके लिए कंडीशन है, बट एडिशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है. एडिशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, तो उसको भी मैंशन कर लेता हूँ. मतलब ऐसे लिख लेते हैं एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एच एक्स, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, लिख लो ये तो हमेशा ऑलवेज और एफ एक्स इज ग्रेटर. अब मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बोला कंडीशन है, क्या है कब यानी कि चारों चीज़ें हैं ना एफ एक्स जी एक्स एच एक्स के एक्स ऑल फोर आर पॉजिटिव. वी कैन मल्टीप्लाई बट चारों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, बट एडिशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है. सिंपली वी कैन ऐड द टू इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ एफ जी एच के ऑल आर पॉजिटिव. अब क्या बचा हमारा डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, वो नहीं कर सकते चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. वी कैन नॉट ऐड सब्ट्रैक्ट और डिवाइड. तो क्या लिखो उसको मैसेज लेता हूँ कि जैसे मान लो मुझे लिखना है कि एफ हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एफ एक्स अपॉन एच एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स अपॉन ए एक्स, ऐसा लिखना गलत है, रॉन्ग. सिमिलरली वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, मतलब एफ एक्स माइनस एच एक्स इज नॉट ग्रेटर देन जी एक्स माइनस ए एक्स, दिस इज ऑल्सो क्या मैंने हुआ है. तो निष्कर्ष क्या लिखना लास्ट वाले में कि दो इनइक्वालिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो चारों चीज पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है ना, और डिफरेंस और डिवीजन वो नहीं कर सकते, मतलब सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन वी कैन नॉट डू चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव. ठीक है, तो ये टोटल हो गई हमारी 6 चीज जिनका हम यूज करेंगे बाय सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज. ठीक है ना, तो एक बार लास्टली दोबारा क्विक रिव्यू. ठीक है ना, एक बार एक काम करो, तुम लोगों को जितना भी आता है 6 जो पॉइंट्स मैंने पढ़ाए, ठीक है ना, 3 कल और 3 आज, इन तीनों को एक बार समराइज करो, तुम लोग लिखो अपने से नोट्स. ठीक है ना, बिल्कुल देखना नहीं है, अपने नोट्स पलट के एक पेज लो उस पर लिखो एंड सी वॉट एवर यू नो, जो जितना भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, गलत हो सही हो जो भी कर जो भी है वेरीफाई करने के लिए पेज पलट के चेक करना. ठीक है ना, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, भले एक बार रिवीजन एक बार सुन लो उसके बाद तुम लोग लिख लेना. ठीक है ना, तो क्या क्या था हमारा टोटल 6 पॉइंट. देखो ये कंडीशन तो सभी में कॉमन है, एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, तो मैं इसको एक ही बात लिखा. ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम दोनों साइड किसी भी नंबर को या किसी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, साइन विल रिमेन द सेम, मतलब एफ एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स प्लस. सेकेंड पॉइंट क्या था, मल्टीप्लाई करते वक्त हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा. क्या सतर्क रहना पड़ेगा कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका पहले साइन पता चल जाए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है.
तो क्या लिखूंगा इसके दो केसेस बनेंगे कि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो kfx ग्रेटर देन kgx हो सकता है कब व्हेन k इज पॉजिटिव और अगर kfx लेस देन kgx होएगा कब व्हेन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया व्हेन k इज नेगेटिव और थर्ड वाला क्या था कि हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं प्रोवाइडेड बोथ आर पॉजिटिव तो मैं कह लूंगा fx का स्क्वायर इज ग्रेटर देन gx का स्क्वायर प्रोवाइडेड fx कॉमन gx इज पॉजिटिव और इसी को इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज हो जाएगा जब दोनों नेगेटिव होंगे हैं बोथ आर नेगेटिव मतलब fx कॉमा gx बोथ नेगेटिव और अगर fx एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे देन वी विल अवॉइड स्क्वेयरिंग देखते हैं कुछ हुआ है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हम क्या करेंगे ठीक है ना अभी के लिए हम इतना याद रखेंगे कि हम स्क्वेयरिंग तभी करेंगे या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव अगर दोनों पॉजिटिव है तो साइन विल रिमेन द सेम इफ दो बोथ आर नेगेटिव देन साइन विल चेंज कल मैंने मैथमेटिकली समझाया था इसको ठीक है फिर फोर्थ पॉइंट जो हमने आज पढ़ा कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ग्रेटर देन एच एक्स अपॉन के एक्स अगर ऐसा दिया है इफ तो मैंने क्या बोला कि हम जी एक्स को लेके जा सकते हैं बट उससे पहले हमें जी एक्स का साइन पता होना चाहिए बिकॉज इस जी एक्स को ले जाना मैथमेटिकली करेक्ट बोलने का तरीका क्या है कि हमने दोनों साइड जी एक्स से मल्टीप्लाई करें और इस पॉइंट के हिसाब से हम किसी भी नंबर के से मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं बट हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है तो साइन के रिमेन द सेम के इज नेगेटिव साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज ठीक है इसको मैं ऐसे लिखूंगा दिस इंप्लाइज fx इज ग्रेटर देन hx into gx डिवाइडेड बाय k ऑफ x का एंड दिस gx दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव और अगर मैंने बोला fx gx अगर नेगेटिव हुआ हमें याद क्या करना है इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है तो fx इज लेस देन hx into g ऑफ x डिवाइडेड बाय k ऑफ x ये कब होगा व्हेन माय जी एक्स नेगेटिव क्लियर हुआ बच्चों और इसी में हमने सेकंड क्लास पॉइंट क्या पढ़ा था अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर ग्रेटर है एफ एक्स इंटू एच एक्स से लेट्स से तो मैं ऐसे डायरेक्टली एच को कट करके आई कैन नॉट राइट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स बिकॉज इसको कट करना मैथमेटिकली क्या हुआ करेक्ट स्टेटमेंट एफ एक्स से हमने डिवाइड किया और एफ एक्स से डिवाइड करना इज इक्विवेलेंट टू वन अपॉन एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना और मैंने अगली बार किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका साइन पता होना चाहिए तो इसमें क्या लिखेंगे अगर एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम तो हम इसको क्या लिखेंगे फाइनली कि जी एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स कब व्हेन माय एच जो हम कैंसिल करते हैं सॉरी इधर एच एक्स कब व्हेन जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे लेट्स से एफ एक्स ये जब पॉजिटिव है ठीक है और अगर जी एक्स और अगर मैंने बोला साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा कब व्हेन माय एफ एक्स इज नेगेटिव आई होप यहां तक क्लियर हो गई चीजें ठीक है और लास्ट पॉइंट क्या बताया था ओरिजिन बताया तो चल जाए लेकिन सिक्स पॉइंट हमने क्या बताया था कि अगर दो इनइक्वालिटी दी है एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स और लेट्स से एच एक्स ग्रेटर देन के ऑफ एक्स तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसे मेरा मतलब क्या है एफ एक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई मैटर नहीं करता चाहे जी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो तो हम ऐड कर सकते हैं मतलब एफ एक्स प्लस एच एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स प्लस के ऑफ एक्स ठीक है ना दिस इज ऑलवेज ट्रू और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बट उसके लिए चारों चीजों को पॉजिटिव होना पड़ेगा ठीक है ना वी कैन मल्टीप्लाई बट ऑल फोर दैट इज एफ एक्स जी एक्स एच एक्स के एक्स ऑल शुड बी पॉजिटिव मल्टीप्लाई में यूज नहीं आया ये थोड़ा यूज आ सकता है थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में ठीक है ना वी कैन ऐड द इनइक्वालिटीज साइन विल रिमेन द सेम इधर भी ग्रेटर ग्रेटर था तो रिजल्टेंट भी हमारा क्या है ग्रेटर है क्लियर है बच्चों आई होप समझ में आया होगा चलो तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो और हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं ठीक है बताऊंगा ये लीनियर मतलब क्या है
ठीक है ना, ये हो गया हमारा हेड सॉल्विंग इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सॉल्व करना मतलब क्या होता है। मतलब जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हम 99 में बोला, मैंने बोला 99 क्लास में जैसे मैंने तुमसे पूछा सॉल्व एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब इसको सॉल्व करना मतलब क्या होता है मैथमेटिकली। इसको सॉल्व करना मतलब होता है कि ऐसा एक्स का वैल्यू निकालो जो इसको सेटिस्फाई करे। सॉल्व मतलब क्या हुआ, सॉल्व मतलब एक्स का वैल्यू निकालो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो दिख रहा है इसको एक्स का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, एक्स इज इक्वल टू टू। तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स इज इक्वल टू टू इस सॉल्यूशन है इस इक्वालिटी का। अभी मैंने इक्वालिटी में नहीं आया, अभी ये इक्वालिटी है। मैंने क्या बोला, पहले तो मैं समझाया कि सॉल्व मतलब क्या होता है बेसिकली। सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो मैंने बोला एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है, ये इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है, ई क्यू यू ए एल आई डी वाई इक्वालिटी है। मैंने इसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना जो इसको सेटिस्फाई करे, एंड दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इक्वालिटी में। जैसे मैंने बोला सॉल्व बिल्कुल बेसिक है, उसके बाद मैं प्रॉपर प्रोसीजर लिखूंगा। अब मैंने लिखा इंस्टेड ऑफ दैट सॉल्व, अब हमारा क्या है, ये तो इक्वालिटी था, ये मेरा इनइक्वालिटी है क्योंकि इधर ग्रेटर देन का साइन आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना मतलब अगेन वही चीज कि एक्स की वो वैल्यू निकालो जो इसको सेटिस्फाई करे। अब ये दिया गया कि एक्स माइनस टू पॉजिटिव कब होगा, ये तो बहुत बच्चों वाला पार्ट है। एक्स माइनस टू पॉजिटिव का होगा एक्स इज ग्रेटर देन टू, अगर मैं इसमें एक्स को टू से बड़ा नंबर डालूंगा तो यू गेट मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्री डाल, थ्री माइनस टू इज वन, वन इज ग्रेटर देन जीरो विच इज परफेक्ट। फोर डाल, फोर माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो विच इज परफेक्ट। तो इसको सॉल्व करना मतलब एक्स की अलाउड वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे, या एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। तो आंसर क्या मेरा, एक्स इज ग्रेटर देन टू। और एक्स ग्रेटर देन टू को हम सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टू से इन्फिनिटी। अच्छा, टू पे ओपन आ गया क्लोज, ओपन, क्योंकि अगर क्लोज लगा दिया तो मतलब तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो टू भी इसका सॉल्यूशन है। क्या टू इसका सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल टू टू, नहीं, टू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, टू से बड़े रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। टू पे तो ये हो रहा है जीरो ग्रेटर देन जीरो विच इज रॉन्ग, गेटिंग इट। तो टू पे ओपन आएगा, गेटिंग इट। मतलब अभी मैंने अच्छे से तुम्हें फील दिलाया कि सॉल्व मतलब क्या होता है ना। एक्चुअली अभी क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, मैं एक एग्जांपल में थ्रू ले पाऊंगा, उसी में स्टेप्स ले पाऊंगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हूँ। सॉल्व मतलब क्या होता है कि हमें एक्स की वैल्यूज निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। बट इट चल, अब मैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन मतलब एक बल्कि सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, उसी के अंदर हमारी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। तो जैसे मैंने ये को अपना स्टेप्स लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी के आधार पर स्टेप्स लिखते जाएंगे और हर एक स्टेप के बाद उसका आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सॉल्व लगेगा तुम्हें बहुत बड़ा है, बट अभी जैसे जैसे मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करोगे तो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है ना। और एक बार प्रैक्टिस हो गई, जैसे अभी तुम स्टेप लिखवाओ ना, एक तुम्हें लगेगा इतना बड़ा प्रोसीजर है, नहीं मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड इतने जल्दी हो जाएगा आंसर जब प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बट अभी के लिए हम एक एक स्टेप स्लोली स्लोली सीखेंगे। तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर इंटू लेट्स से थ्री माइनस एक्स इंटू लेट्स से मैंने लिखा एक्स माइनस फोर और इधर मैंने लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैंने कहा इसको सॉल्व करो। अब दिख रहा है कितने सारे टर्म्स हैं, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया है सो दैट हर एक स्टेप हमारा कवर हो जाए। कोशिश ये रहेगी, बात देखते हैं कैसा क्या होता है। ठीक है, मैंने बोला कि रैंडमली कोई एग्जाम्पल लिया, मैंने सॉल्व दिस। अब सॉल्व करना मतलब क्या होगा, सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना जो इसको सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स को फाइव डाला तो सेटिस्फाई करेगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ओवरऑल दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विच इज करेक्ट। मतलब फोर से बड़ा नंबर तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे मुझे सारे नंबर्स निकालने हैं, तो ऑफकोर्स मैं एक एक नंबर रख के तो चेक नहीं करूँगा, देर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये दिस इज प्रोसीजर टू सॉल्व दिस। ठीक है, करें स्टार्ट करें, चलो स्टेप वन। स्टेप वन क्या है, वैसे स्टेप वन जो है ना वो इधर हमारा काम नहीं आने वाला, द रीजन इज इधर ऑलरेडी आर एच एस का सीरियल है, बट मैं स्टेप वन लिख पा रहा हूँ बिकॉज इन सम ऑफ द क्वेश्चन यू मे फाइंड दिस स्टेप ऑल्सो। ठीक है ना, यू मे यूज दिस स्टेप ऑल्सो। क्या है कि हम जो भी इनइक्वालिटी दिए ना उसमें सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, आर एच एस को जीरो बनाना। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो ऑलरेडी जीरो है तो इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, बट फिर भी हम जनरलाइज स्टेप कर रहे हैं सारे, तो स्टेप राइट दिस स्टेप ऑल्सो। यू मे ऑलवेज मेक
ऑलवेज नेम आर एच एस एस 0, हमेशा आर एच एस को 0 बनाओ। जैसे काम में आएगा उसका एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मैंने बोला कि अभी अभी हम यही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, आवर टारगेट इज टू सॉल्व दिस, बट अभी मैं स्टेप एक एग्जांपल स्टेप 1 के लिए बता रहा हूं कि ये कहां काम आएगा। जैसे मैंने लिखा x - 2 अपॉन x - 3 लेट्स से ग्रेटर देन x - 4 अपॉन x - 3, मान लो ये इक्वल, ये भी इनइक्वालिटी है, इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें स्टेप 1 भी लगेगा, बिकॉज़ अभी आरएचएस में 0 नहीं है, अभी आरएचएस में 0 इसको लिख लेना है इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए। तो अभी आरएचएस में 0 नहीं है, बिकॉज़ सेम एग्जांपल मैं थोड़े टाइम बाद या कल की क्लास में कराऊंगा इसको, ठीक है ना। तो क्या है, मैंने क्या बोला पहला स्टेप कि वी विल मेक द आरएचएस 0, ठीक है। तो आरएचएस को 0 बनाया, उसके लिए क्या करता हूं, इस टर्म को इस साइड लेके आऊं, आई कैन नॉट ब्रिंग दिस x - 3 दिस साइड, द रीजन इज वी डोंट नो x - 3 इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो डिपेंड कर रहा है x क्या है। तो x - 3 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वी कैन नॉट टेक x - 3 दैट साइड, ठीक है ना। ये तो हमें पता है प्रीवियस जो भी मैंने 6 स्टेप सिखाया उसके हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, 0 बनाने के लिए ये स्टेप फॉलो करूँगा, x - 3 माइनस x माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, बाहर जैसे 0 आ गया। तो इसीलिए मैंने लिखा है ये स्टेप, और जो हमारे क्वेश्चन में किसी स्टेप की जरूरत नहीं है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसके लिए। द रीजन इज इधर ऑलरेडी आ रहा है 0, तो नो नीड ऑफ दिस स्टेप, बट मैंने जनरलाइज लिखवा रहा हूँ इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेकर बता दिया कहाँ जरूरत पड़ेगी इस स्टेप की, ठीक है। चलो अब आगे स्टेप टू, स्टेप टू क्या है कि हमें जब जितने भी लिखे, अच्छा एक चीज एक मिनट और मैंने भूल गया, लीनियर बना रहा इसलिए भी बता रहा हूँ। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, आई होप तुम लोगों से बहुत होगा पता होगा, द एक्सप्रेशन जिसमें x का मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, लेट्स से x + 3 2x + 5 5x - 7 negative 4 - 3x, ऑल दीज आर माय लीनियर एक्सप्रेशन। तो मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं, ax + b प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज़ अगर a 0 है तो b तो मेरा एक कांस्टेंट बचेगा, तो दैट इज नॉट लीनियर एक्सप्रेशन, दैट इज कांस्टेंट। तो व्हाट आई विल से कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ax + b वेयर माय a इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, गेटिंग इट। तो यू कैन सी ऑल दीस एक्सप्रेशन x - 1 x - 2 3 - x x - 4, ऑल माय दीस एक्सप्रेशंस आर लीनियर, बिकॉज़ उनमें x का मैक्सिमम पावर क्या हुआ, अब वो बोलेंगे सर स्क्वायर टू है, स्क्वायर टू है लेकिन वो है तो लीनियर का स्क्वायर ना। मेरे को क्या चाहिए कि जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर पावर कुछ भी ऊपर, बट ब्रैकेट के अंदर जो लिखे ऑल दोज शुड बी लीनियर एक्सप्रेशन, तभी ये स्टेप्स फॉलो होंगे। अगर लीनियर नहीं होगा, मान लो क्वाड्रेटिक हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसको फैक्टराइज कर लेंगे लीनियर में। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2, तो उसको मैं x - 1 * x - 2 लिख लूंगा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मान लो ऐसा लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2, दिस इसको मैं तो जो स्टेप लिखवा रहा हूँ मैं, दैट इज फॉर लीनियर एक्सप्रेशन ना, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग लीनियर एक्सप्रेशंस। अगर मान लो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, इन केस जैसे आगे चल के एग्जांपल्स देखेंगे हम, तो कोई नहीं, हम इसको इसको लीनियर में फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे आप क्वाड्रेटिक में नाइन नाइन में पढ़ा हुआ होंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इन प्लस माइनस 2 एंड ओपन दिस इन ब्रैकेट्स इन ब्रैकेट्स, बाकी बता दूंगा ऐसे कि कैसे आया, बट फॉर टाइम की मान लिया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर में आ गया, फिर लीनियर में आ गया, लीनियर के तुम्हें स्टेप सारे पता है, पता पता नहीं पता ही नहीं, बैठे गए। तो स्टेप अब आ गया स्टेप टू, ये तो मैंने कितना बताया कि लीनियर एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग लिखा था लीनियर एक्सप्रेशन, तो मैंने उस टाइम बोला था भूल जाता तो भूल बता, ठीक है। लीनियर मतलब एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, देख लो भले, इफ यू वांट टू राइट अ डेफिनेशन आल्सो राइट इट लाइक दिस, द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x का पावर 2 होना चाहिए लीनियर मतलब, क्वाड्रेटिक मतलब x का पावर 2 होना चाहिए लाइक दैट, क्यूबिक मतलब x का पावर 3 लाइक दैट, ठीक है। हां, अब हम आ रहे हैं ना स्टेप 2 पे, देखो एक एक स्टेप ध्यान से सुनना, एक बार के स्टेप्स आ गए ना उसके बाद कुछ भी नहीं बचता चैप्टर में, ठीक है ना। मतलब कहने को चाहूँ तो मतलब दो दिन का चैप्टर है इसके बाद, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा टाइम, बट एक बार ये सारे स्टेप्स क्लियर हो, आज ही आज की क्लास में हो जाएंगे हमारे सारे स्टेप्स, ठीक है। चलो हाँ, मैंने क्या बोला, मैं कॉलेज आर एच एस का आर एच एस को 0 बनाऊँ, जबकि इधर जरूरत नहीं पड़ी, हमें ऑलरेडी 0 दिया था। नेक्स्ट स्टेप इज राइट ऑल द लीनियर टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखो दैट इज x प्लस माइनस k, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जो x ना जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसमें जो x है उसका जो कोफिशिएंट है या तो 1 होना चाहिए या पॉजिटिव। मतलब इसका मतलब जनरलाइज कैसे लिखूंगा, मैंने ax + b लिखा ना, a शुड बी पॉजिटिव, चाहे 1 हो चाहे कुछ हो बट x का कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो x का कोफिशिएंट should be positive, x का जो coefficient है that has to be positive, clear हुआ? x का coefficient positive होना चाहिए। तो check कर लेते हैं कि हमारे सारे जो terms हैं, there are four linear terms, 1, 2, 3, 4, क्या चारों में x का coefficient 1 क्या positive है या नहीं? नहीं है तो बनाएंगे, नहीं है तो बनाएंगे। तो पहले check किया x minus 1, नहीं इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो x minus 1 perfect लिखा है, standard form है, x का coefficient positive है। फिर x माइनस टू का स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, x माइनस टू का स्क्वायर, फिर इसमें हाँ इसमें दिक्कत है, इसलिए मैंने ये ऐड किया सो दैट एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे सारे स्टेप्स कवर हो जाए, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स, ठीक है। तो अब इधर 3 माइनस x लिखा और मुझे तो क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x प्लस माइनस समथिंग होना चाहिए, मतलब x का कोएफिशिएंट प्लस पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करूँ, इस वाले फैक्टर में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसमें से माइनस अगर कॉमन लिया इधर माइनस लिख देता हूँ मैं और इधर लिख देता हूँ x माइनस 3 और नीचे क्या है x माइनस 4 लिखा है व्हिच इज अगेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस 4 एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? मेरा इधर माइनस क्यों आया, द रीजन इज आई वांट एवरी टर्म एवरी लीनियर टर्म टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जहां x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, वन वन भी बोल जाओ तो ये मानो पॉजिटिव होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट नहीं है तो बनाएंगे जैसा कि हमने इधर बनाया, इधर x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या किया, इस वाले पार्ट में से केवल माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया x माइनस 3। नाउ दिस एंड दिस बोथ आर सेम, जस्ट यू हैव टेकन माइनस आउटसाइड। अब क्या करें, अब इस माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है तो क्या करें, इसमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वो फैक्ट कहाँ आएगा, कौन सा, जो मैंने स्टेप 6 स्टेप लिखा है तो उसमें स्टेप 2 था कि हम किसी भी नंबर से रैंडमली तो इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कब कर सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर पहले से हमें पता हो तो हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं इसको सो दैट इधर से माइनस गायब हो जाए तो क्या करें, इनइक्वालिटी का साइन विल चेंज। तो मैं क्या करता हूँ, उधर स्टेप 2 काम आ गया, उधर वाला उधर जो स्टेप 2 लिखा था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उधर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इट विद माइनस 1, तो सिंस मल्टीप्लाइंग इट विद k, वेयर माय k इज नेगेटिव, सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। लिख लेना उधर, सिंस द नंबर विद विच वी आर मल्टीप्लाइंग इज नेगेटिव हेंस इनइक्वालिटी का साइन विल चेंज। तो मेरा क्या बनेगा, अगर ये तो बना x माइनस 1, ये x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, अब क्या आ जाएगा, इधर ग्रेटर दैन इक्वल टू ना चेंज होकर लेस दैन इक्वल टू 0। फाइनली मुझे इसको सॉल्व करना, ये मेरा आ गया आंसर आफ्टर स्टेप 2, इट्स नॉट अ फाइनल आंसर, फाइनल आंसर तो मुझे ऐसे देना है x belongs to let's say 1, 2 union 5, 7 x की वैल्यू देना है, बट स्टेप 2 का आंसर है ये, मतलब दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कहते कि नहीं है तो हमने क्या किया था, जैसे ये टर्म प्रॉब्लम कर रहा था तो इसमें तो माइनस कॉमन ले लिया था, अब इस माइनस को हटाने के लिए मैंने एक बार माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, सिंस द नंबर विद विच वी आर मल्टीप्लाइंग इज नेगेटिव देयरफॉर साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये क्या हुआ मेरा, दिस वाज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, गॉट इट, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुआ, बिकॉज हमने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। नाउ लेट्स गो टू द स्टेप 2, स्टेप टू का आंसर ये मेरा जो भी आया अंदर इसको मैं रब नहीं करता, बाकी चीज़ें मैं रब करता हूँ, ठीक है, कॉपी करते रहना। अब क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज, अब मैंने तुम्हें रूट्स बताया था, रूट्स क्या होते हैं, वो जैसे मैंने लिया जैसे x माइनस 1, इसका रूट क्या होगा, मतलब वैल्यू ऑफ x फॉर विच x माइनस 1 इज 0, तो x इज इक्वल टू 1, तो अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन में जो भी लीनियर टर्म्स दे रखे हैं ना उनके जो करस्पॉन्डिंग रूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका रूट है 1, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4 है, ऑल दोज रूट्स हैव बीन प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, तो क्या लिखेंगे हम, लिखो स्टेप 3, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था अभी लग रहा है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे 5, 4, 5, 6 स्टेप होंगे, बट एक बार प्रैक्टिस हो गई, वो प्रैक्टिस भी क्या, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना आधा घंटा भी इसको टाइम दिया ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे एक भी नहीं छूटे, बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना
नहीं करना है, पहले बोल दिया डाउट सेशन, जितना खुल के पूछो उतना अच्छा है। और मैं एक चीज और तुमने बताना भूल गया, जिस हिसाब से तुम लोगों का रिस्पॉन्स आएगा क्लास के अंदर, ठीक है ना, मतलब डाउट सेशन के अंदर, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसी हिसाब से तुम्हारे बैच डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है ना। व्हेन यू विल बी इन द स्कूल आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है ना, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन यू विल बी इन द स्कूल, ठीक है, तो तुम लोगों को बैचेस बनेंगे, ठीक है ना। सो इफ यू वॉन्ट टू बी इन अ टॉप बैच, ठीक है ना, अगर तुम चाहते हो कि हम टॉप बैच में रहें, तो टॉप बैच में रहने का फ़ायदा क्या है, सबसे ज़्यादा फायदा कॉम्पिटिशन रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है, अच्छे बच्चे शुरू टॉप बैच में रहते हैं तो आपस में कॉम्पिटिशन रहता है, तो तुम लोग और ज़्यादा सीखने मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे बच्चे होते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन भी बहुत होते हैं क्लास में, तो उससे तुम्हारा दिमाग और खुलता है। तो मेरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे तुम्हारा जो भी टेस्ट होगा, ओके, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट एंड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर यू आर आस्किंग इन द डाउट सेशन इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, वी विल डिसाइड टीचर्स, ये हम लोगों को पूरा हम लोगों के ऊपर है, फैकल्टीज के ऊपर है, इन ऑल थ्री फैकल्टीज, ठीक है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में रिस्पेक्टिव फैकल्टीज, कि विच स्टूडेंट टू गो इन विच बैच। ऑफकोर्स तुम सभी एक ही बैच में नहीं होंगे बिकॉज स्टूडेंट्स आम हो, तो ऑफकोर्स क्या अभी से मैं बोल रहा हूँ, जितना तुम टीचर्स के कॉन्टैक्ट में रहोगे, टच में रहोगे, उतना तुम बेनिफिशियल रहोगे। टच में रहना ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का टच में है, पढ़ाई तो नहीं कर रहा है, बताया तो नहीं दिया, नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड टच में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत करो, अकॉर्डिंगली यू विल बी गोइंग टू दैट बैच, ठीक है ना। चलो अब आते हैं, कहाँ आ रहे हैं हम, स्टेप थ्री, मैंने क्या बोला कि वी विल लोकेट ऑल द रूल्स, तो लिख लो, लोकेट लोकेट ऑल द रूल्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन मतलब क्या हुआ, देखते हैं, ये नंबर लाइन है, तो रूल्स क्या है, 1, 2, 3 and 4, फाइल प्लॉट लोकेट, मतलब प्लॉट मतलब लोकेट ऑल दी रूल्स ऑन नंबर लाइन, लेट्स से मान लीजिए 2 इसके राइट में होगा, 3 ऑफ कोर्स इसके राइट में होगा, 4 ऑफ कोर्स इसके राइट में होगा, सो दिस इज स्टेप सिंपल, यू हैव टू लोकेट ऑल द रूल्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप, जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी क्या करना है कि इधर जो भी लीनियर सेक्टर देखेंगे ना, उनका एक्सपोनेंट देखें, जैसे एक्स माइनस वन का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, 1 है इसका, 2 है इसका, 1 है इसका, 1 है। तो मैं इस स्टेप में क्या बोल रहा हूँ कि जिस भी लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल लो, अगर वो इवन है, अगर वो इवन है, तो उस रूट के करस्पॉन्डिंग तुम एक क्रॉस मार्क कर दो, रीजन बताऊँगा इसका क्यों कर रहे हैं, ऑल दिस स्टेप्स हैव रीजंस, ठीक है ना, बट पहले मैं स्टेप्स लिख पा रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि एक्स माइनस, इधर जितने भी लीनियर फैक्टर हैं, उन लीनियर फैक्टर्स में से ये देखो कि इवन एक्सपोनेंट किसका है, फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 जो रूट है ना, उस पर क्या करेंगे हम, क्रॉस साइन लगाएंगे, क्यों लगा रहा हूँ बताऊँ, तो स्टेप लिख लो, पहले के लिए कि पुट अ क्रॉस साइन, पुट अ क्रॉस साइन, पुट अ क्रॉस साइन ऑन द रूट, ऑन द रूट फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच द एक्सपोनेंट या पावर बोल दो, चलो दोनों लिख लेना, द एक्सपोनेंट या फिर लेट्स से पावर इज इवन, जिस भी लीनियर टर्म का पावर या एक्सपोनेंट इवन है, उसका जो रूट है ना, उस टर्म के करस्पॉन्डिंग जो रूट है, उस पर आई वुड क्रॉस साइन। तो टोटल तो देयर आर 4 रूट्स, बट जो एक्स माइनस 2 है उसका पावर इवन है, दिस इज इवन, तो मैं क्या करूँगा, तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग रूट क्या है, 2 है, एक्स इज इक्वल टू 2, तो उस पर एक क्रॉस साइन लगा दिया, ठीक है, क्यों लगा, बात की बात, आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू द रीजन। अब स्टेप 4, 5, स्टेप 5, अब सुनो, ये ऑलमोस्ट लास्ट इज, मतलब सेकंड लास्ट स्टेप है, इसके बाद ये भी स्टेप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट रूट है ना, लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल 4, उसके राइट में हम पॉजिटिव साइन मार्क करेंगे, मतलब इधर पॉजिटिव साइन मार्क करेंगे, पुट लिख लो, पुट पॉजिटिव साइन, एस आई जी एन साइन ऑन द राइट, राइट ऑफ ग्रेटेस्ट रूट, ग्रेटेस्ट रूट, इसका भी रीजन है कि आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आज हम स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो पुट अ पॉजिटिव साइन इन द राइट ऑफ ग्रेटेस्ट रूट, तो मतलब मैंने इधर पॉजिटिव साइन मार्क कर दिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप 4 एक्स इज इक्वल टू 4 इज द ग्रेटेस्ट रूट, उसके राइट में मैंने पॉजिटिव मार्क कर दिया, गेटिंग। अब सेकेंड लास्ट स्टेप,
अब क्या है, अब क्या करना है, राइट से लेके लेफ्ट तक मूव करना है। क्या करना है, राइट से लेके लेफ्ट तक मूव करना है। और जैसे जैसे हम रूट को एनकाउंटर करेंगे, जैसे रास्ते में हमें रूट मिलेगा, तो हम जैसे ही रूट को क्रॉस करेंगे वी विल ऑल्टर द साइन। अभी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं हुआ, सुनना ध्यान से। आई विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैं जैसे रूट को क्रॉस करूंगा आई विल ऑल्टर द साइन एक्सेप्ट फॉर द इंप्रेस स्टेटमेंट, एक्सेप्ट द रूट वेयर वी हैव पुट क्रॉस साइन। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाना ज्यादा बेटर रहेगा मुझे लग रहा है। लिख लो, व्हाइल मूविंग, व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स, व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑल्टर द साइन, ऑल्टर द एस आई जी, ऑल्टर द साइन व्हाइल क्रॉसिंग द रूट, while crossing the routes, except ये important है, except the route where we have put cross sign, where we put cross sign। वो क्या बोल रहा है कि तुम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करो, और जैसे जैसे तुम रूट्स को क्रॉस करते हो तो यू जस्ट ऑल्टर द साइन। बट कौन से रूट पे चेंज नहीं करना साइन, जहाँ हमने ऑलरेडी क्रॉस पुट किया। क्रॉस किस पे किया था, जिसका एक्सपोनेंट ई वन है। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, क्यों ऐसा करना है। बट अभी के लिए स्टेप्स तो ये हो गया हमारा। तो हमें इस स्टेप को लिखेंगे, मतलब आंसर लिखो इस स्टेप के बाद, क्या आंसर होगा हमारा इस स्टेप के बाद। तो आई मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव, फिर फोर आया अभी इधर क्रॉस लगा हुआ है, नहीं लगा चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर मैं इधर और लेफ्ट की तरफ आया, थ्री आया, थ्री पे क्रॉस लगाया क्या, नहीं लगा, तो उधर नेगेटिव था, ऑल्टर करूँगा तो पॉजिटिव ना। अब टू पे क्रॉस लगाया क्या, हाँ, अब इम्पॉर्टेंट है, टू पे क्रॉस लगाया है तो अब मैं चेंज नहीं करूँगा साइन, मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव ही रहेगा। नो नीड टू चेंज साइन व्हाइल यू आर क्रॉसिंग द रूट विद इवन एक्सपोनेंट्स, while you are crossing the roots with even exponent, ठीक है, इसका रीजन बताऊंगा, डोंट वरी। फिर मैं और मूव किया, और मूव इन साइड किया, तो अगेन वन पे क्रॉस कराया तो नहीं लगा, तो यू विल ऑल्टर द साइन, पॉजिटिव है कलर, नेगेटिव, गेट अगेन। ये पर मैं बता दूंगा ये वाला स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे बड़े वाले रूट के राइट में प्लस लगा देना, उसके बाद फिर हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और वी विल ऑल्टर द साइन इफ यू आर क्रॉसिंग द रूट, बट एक्सेप्ट द रूट्स विद इवन साइन लगाया था। तो देखो पहले रास्ते में फोर मिला, तो इधर क्रॉस तो नहीं लगा, तो प्लस से नहीं पॉइंट माइनस, ऑल्टर हो गया साइन, ऑल्टर मतलब चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। देन आई फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन आई क्रॉस द थ्री रूट थ्री, इधर क्रॉस साइन लगाया क्या, नहीं लगा, तो आई ऑल्टर द साइन, नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर रास्ते में टू आया, उस पर क्रॉस लगाया क्या, हाँ, अब मैं चेंज नहीं करूँगा साइन, प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर मैं आगे बढ़ा, वन आया, वन पे क्रॉस लगाया क्या, नहीं लगा, ऑल्टर द साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर हुआ, तो पॉज करो, पहले इतना लिखो। अब देखो, अब ऑलमोस्ट कंक्लूजन होने वाला है, दिस इज द लास्ट है ना। अब बेसिकली जो पॉजिटिव नेगेटिव मिला है वो मिला क्या है, किस चीज का साइन है, सोचो एक बार वीडियो पॉज करके। अब मैं बता रहा हूं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज बेसिकली साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलो इसको दूसरे कलर से बात करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये सर्कल के अंदर बनाया है, रेड सर्कल के अंदर, इसका है ये साइन, जो मैंने कैसे जो नेगेटिव पॉजिटिव लगा रखे ना, दिस दे आर बेसिकली साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका साइन है कि ये पॉजिटिव इस रीजन में है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस रीजन में, पॉजिटिव इस रीजन में, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इस रीजन में, इस रीजन में मतलब एक्स अगर थ्री से फोर के बीच में डालूंगा मैं इसके अंदर तो नेगेटिव जनरेट करेगा, गेटिंग इट। बेसिकली जो नेगेटिव पॉजिटिव आया दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो नेगेटिव पॉजिटिव आया साइन है वो साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, गेटिंग इट। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव आया वो बेसिकली इस एक्सप्रेशन का साइन है, बस अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं बचा, अब क्या है, अब उसने क्या बोला कि ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा, अब लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब लेस देन हो या इक्वल टू, तो इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं, पहले मैं
इक्वालिटी के लिए क्या-क्या इंक्लूड करना है ये समझना पहले। अब इसने क्या बोला, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो मतलब मैं लैंग्वेज में क्या बोलूंगा कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कब है, लेस देन 0 कब है। अब मुझे तो इसका साइन पता है ऑलरेडी, किस किस रीजन में ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। इसने क्या पूछा, लेस देन 0 कब है, मतलब नेगेटिव कब है, तो ऊपर से लिखना है ये नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव कब है, तो 1 से पहले मतलब माइनस इंफिनिटी से 1, और नेगेटिव कब है, यूनियन 3 से 4, यहां तक क्लियर है। ये एक्सप्रेशन मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव नेगेटिव है, दे आर बेसिकली व्हाट द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्सप्रेशन उसने क्या बोला, लेस देन 0 कब होगा, मतलब नेगेटिव कब होगा, तो लिखना है नेगेटिव एक तो 1 से छोटे के लिए x के लिए, मतलब अगर x मेरा 1 से छोटा होगा, मतलब दिस इज बेसिकली x की वैल्यू, x अगर 1 से छोटा होगा या फिर 3 और 4 के बीच में होगा तो मेरा जो एक्सप्रेशन है दैट इज नेगेटिव, तो दिस इज माय आंसर। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ आंसर, अभी तो मैंने इसके लिए बोला लेस देन 3, बट एक्चुअली मैं क्वेश्चन क्या दिया था, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू मतलब हम अलग से ऐड कर देते हैं कि भाई ये एक्सप्रेशन 0 का बराबर है, क्योंकि लेस देन ये जो एट प्रेजेंट जो तुम्हारे सामने आंसर लिखा है दैट इज फॉर दिस दिस क्वेश्चन लेस देन 0, बट मुझे लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ अलग से जाके इसमें ऐड कर लेता हूँ वो नंबर जिसके लिए इक्वालिटी होल्ड करना है। इक्वालिटी होल्ड करना मतलब ये चीज़ 0 कब हो रही है, और ये चीज़ 0 कब होगी, 1 पे 2 पे और 3 पे, दिख रहा है जो जो न्यूमरेटर में टर्म्स लिखे 1, 2 एंड 3, जो न्यूमरेटर में फैक्टर्स लिखे वो जब 0 होंगे तभी ये चीज़ 0 होगी। तो क्या है, तो 1, 2, 3, 5, 1, 2, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा इसको देखने का एक और तरीका भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब दिख रहा है मुझे कि इस 1 को और इस 3 को मैं इसी के अंदर एडजस्ट कर दूँ विद द हेल्प ऑफ क्लोज ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज, द रीजन इज इफ आई पुट देयर क्लोज ब्रैकेट देन नो नीड टू राइट 1 सेपरेटली। सिमिलरली यूनियन ये 3 के ऊपर है, आई पुट देयर क्लोज 3 से 4 ओपन, सो नो नीड टू पुट 3 हियर, सिंपली आई पुट यूनियन कर्ली ब्रैकेट 2 बिकॉज 2 नहीं था इसलिए 2 को मैंने अलग से गेट इट। तो इधर यू दिस वे यू शुड राइट द फाइनल आंसर और गेट इट। तो यही हो गया हमारे सारे स्टेप, इतने स्टेप्स अच्छे से कर लो ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं बोल रहा हूँ ये स्टेप अगर तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर है तो बिल्कुल नहीं लगता कि इक्वालिटी में तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली है आगे चल के ठीक है, और धीरे धीरे हमारा लेवल और बढ़ेगा। ये तो बहुत बेसिक पार्ट है देखा जाए ठीक है ना, बेसिक मतलब ऐसा नहीं कि आगे जाकर कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वही यही चीज़ है, बट वही है कि कुछ कुछ मतलब बारीक बारीक पॉइंट्स है ना, जैसे स्पेशली वो स्क्वायरिंग वाला कि हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं नहीं दोनों साइड, वो सब चीज़ें वो थोड़ी क्या होती है क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना सकते थे। बट अगर मैंने बोला कि अगर बिल्कुल बारीक बारीक तो तुम सुन रहे हो हर एक लेक्चर या फॉलोइंग लेक्चर बाय लेक्चर प्रॉपरली, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी, इसके बाद हम कल के लेक्चर में और भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, आज के लिए सफिशिएंट ठीक है। ओके थैंक यू।